दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो हो रही है कि हर वायर वाली चीजें वायरलेस हो रही है, और वायरलेस होने के साथ ही साथ अब तो भाई वायर का नामो निशान ही नहीं रहा, मतलब दूर दूर तो आपको वायर देखने नहीं मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मीवी के डुओपॉड्स M20 के ईयरबड्स के बारे में। अनबॉक्सिंग करेंगे, बताएंगे सारे फीचर्स, सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में, और इसी के साथ ही साथ क्या आपको ये ईयरपॉड्स लेने चाहिए कि नहीं, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाए डंडा, शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैप्पी गाइड, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, और फ्लिपकार्ट से आ चुका है, और पैकिंग तो फ्लिपकार्ट की हमेशा की तरह अच्छी होती है। अब फटाफट से इसको करते हैं अनबॉक्स। मजा आता है फोड़ने में इसको, बबल रहा आपको। तो दोस्तों यही है मीवी की तरफ से आने वाला मीवी का डुओपॉड्स M20 वायरलेस हेडफोन, और फ्रंट साइड में आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू वायरलेस ईयरफोन, यहाँ पे उसके फोटो बने हुए हैं, यहाँ पे मीवी की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी मीवी की ब्रांडिंग दी गई है, और यहाँ पे डुओपॉड्स M20 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ बारकोड दिए गए जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे भी सेम चीज़ वही है, और यहाँ पे इंपोर्टेड बाय का डिटेल्स है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और बात करें इस बॉक्स के पीछे साइड के डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ डिटेल में मेंशन किया गया है इसी वायरलेस हेडफोन के बारे में, और यहाँ पे आपको 1 ईयर की वारंटी देखने मिल जाती है, और ये जो मॉडल है आपको अलग अलग कलर में आता है। तो फिलहाल मेरे पास ये ब्लैक कलर वाला है, इसमें अलग अलग कलर भी आपको देखने मिल जाएंगे। मीवी वाले एकदम दबा के पैक करते हैं, ये सेम एक्सपीरियंस मैंने किया था जब इसका मीवी मूनस्टोन का जब अनबॉक्सिंग कर रहा था। बॉक्स में से ओपन होने में एकदम टाइटली पैक करते हैं, और फाइनली हमारा ये रहा वायरलेस हेडफोन टन टन। यहाँ पे जैसे हम बॉक्स ओपन करते हैं, यहाँ पे हेलो मीवियन, यहाँ पे लिखा हुआ वी होप यू इन्जॉय योर न्यू डुओपॉड्स M20s मैच एज वी लव डिज़ाइनिंग देम, 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, सो थैंक्स मीवी। और यहाँ पे फाइनली हमें अपना वायरलेस हेडफोन देखने मिल जाता है, कैप्सूल वाले डिज़ाइन में आता है, और काफ़ी छोटा और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। बात करेंगे बस जल्दी इसी के बारे में, और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या देखने मिलता है। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर ये चार्जर लग रहा है, USB केबल, यस इट इज़ अ USB केबल चार्जर आपको अंदर दिख रहा हो, अंदर एक यूज़र मैनुअल है बस। और दोस्तों बॉक्स में हमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ईयर पीस भी देखने मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आपके कान मोटे पतले लंबे चौड़े जैसे भी हो सब में फिट बैठ जाएंगे, तो हर एक प्रकार का जो भी कान का साइज़ होता है आई थिंक सब में ये प्रॉपरली बैठ जाएगा, तो आप इजीली आप यहाँ से इसको चेंज करके यूज़ कर सकते हो। तो कान में बैठने या फिटिंग के लिए आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा ईयर पीस यहाँ पे मिले हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें इस मीवी के वायरलेस ईयरफोन के बारे में, तो देखने में तो एकदम छोटा लग रहा है इसका बॉक्स। बॉक्स को मैं जल्दी ओपन करूँगा, बट यहाँ पे आसपास में देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या मिलता है आपको इसी केस में। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं, एक थ्रेड लगा हुआ है जो कि दिखने में काफ़ी फैंसी दिखता है, और ये रबड़ का है, मतलब लिटरली खींच सकते हो और इसको हैंग करके मस्त इसको कैरी करने के लिए आपको हेल्प होगा, और एक फैंसी लुक भी आएगा जब आप कैरी करोगे। अब फटाफट से मैं इसको ओपन करता हूँ हमारे फाइनल इस केस को, और यहाँ पे देखते तो हमारे प्यारे से छोटे से क्यूट से मीवी ईयरफोन वायरलेस ईयरफोन रखे गए हैं। सो बात करें यहाँ पे अपने इस वायरलेस ईयरबड के बारे में, तो यहाँ पे आपको ऊपर ही समस्त मीवी की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, और उसी के अंदर एक लाइट ब्लिंक हो रही है जो देखने में बहुत ही कूल और मस्त लग रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैमरा शायद अच्छे से फोकस कर पा रहा है, हाँ यस। और बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, जो ईयरबड है तो ये बेसिकली प्लास्टिक से बना हुआ, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग तो हो गई, तो यहाँ पे अब मैं इस ईयरबड को कनेक्ट करता हूँ अपने फ़ोन से, और चेक करते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी साउंड क्वालिटी कैसी है।
हेलो, हाय। और क्या हाल चाल है? सब मजे में। अच्छा ये बता कि मेरी आवाज़ बराबर आ रही तुझे? आवाज़ मतलब ऐसा लग रहा है क्या, मतलब कि काफ़ी हवा है या फिर नॉइज़ आ रहा है बैकग्राउंड में? ओके अच्छा ठीक है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मतलब सुन पा रहे हैं ना तू मेरी आवाज़ अच्छे से? ठीक है ओके चलेगा, ओके गुड। तो दोस्तों इस ईयरबड को मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है, मतलब लगभग मैं एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इस मीवी के ईयरबड के बारे में। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि देखो साउंड क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी साउंड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कॉल वगैरह भी लेना चाहते हो तो इसके थ्रू आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन नहीं है। नॉइस कैंसलेशन का मतलब है भाई कि जब भी आप बात कर रहे हो कॉल पे तो सामने वालों को थोड़ा ऐसा लगेगा कि हवा आ रही है, फिर नॉइज़ बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ऑलरेडी कहीं पब्लिक एरिया में तो वहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देगी सामने वाले को, आपको ज़रा भी महसूस नहीं होगा। आपको तो आप कान में लगा लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन जो सामने कॉल पर बंदा आपसे बात कर रहा है उसको ये होगा कि भाई आप कहाँ पर खड़े हो, कहीं शांत एरिया में जाके बात करो, ऐसा सामने वाला आपको बोल सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन तो दे रहा है मीवी वाला, लेकिन यहाँ पे जो नॉइस कैंसलेशन है वो क्या बोलते हैं, पैसिव नॉइस कैंसलेशन इस ईयरबड में सपोर्ट होता है, लेकिन एक्चुअली में होना चाहिए था एक्टिव वाला। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि भाई कॉल वगैरह लेने के लिए ओके ओके डिवाइस है, अगर आप पब्लिक एरिया में हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको कॉल वगैरह लेना है तो शायद आपके लिए बेटर डिवाइस नहीं होगा, लेकिन आप सिर्फ म्यूजिक लवर हो, आपको म्यूजिक सुनने के लिए अगर आपको ईयरबड या ईयरपॉड लेना पसंद करोगे तो ये डेफिनेटली मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा। और बात करें इसके और भी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे जो इसका टच वाला फीचर है बहुत बहुत मस्त है, मतलब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा ये मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया और ये टच एकदम परफेक्टली काम करता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक दूसरी साइड में अगर इसी टच के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं कान में लगाने के बाद अगर मैं समझ लो थोड़ा सा फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझ लो फ़ोन में बात कर रहा हूँ तो ये फ़ोन कट हो सकता है। अगर मेरा समझ लो मैं थोड़ा सा फिट कर रहा हूँ यहाँ पे कान में और उसी के चक्कर में यहाँ पे दब गया तो कॉल कट हो जाएगा, या फिर अगर मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा बोलते हैं ना कभी फील होता है कि थोड़ा फिट नहीं बैठा, या हम लोग आपको ध्यान से अच्छे से फिट करते हैं तो वहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो टच है दब गया तो कॉल कट हो जाएगा, दब गया तो फिर भाई म्यूज़िक स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे टच वाला फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो एक तरह से उसका एक माइनस पॉइंट भी मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ये छोटा सा एक माइनस पॉइंट मीवी की तरफ से मुझे लगता है कि यहाँ पे टच को थोड़ा सा ऐसा सेंसिटिव रखना चाहिए था कि अगर आप आजू बाजू में एकदम संभाल के अगर दबाओगे तो आप कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगा, म्यूज़िक बंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली कान में लगा रहे हो और फिट कर रहे हो तो यहाँ पे भाई टच तो होना ही है, मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया। बाकी आप मुझे बताओ कि अगर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसी मीवी ईयरबड के बारे में। बात करें इस ईयरबड के कनेक्टिविटी के बारे में तो यहाँ पे मुझे कोई भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा आसानी से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी साइड पे ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको एक ईयरबड आपका कनेक्ट हो जाता है, दूसरे को कनेक्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर तक पास में रखना चाहिए, तभी वो फट से दोनों के दोनों कनेक्ट होंगे। नहीं तो क्या होता है कि आपका एक ही ईयरबड कनेक्ट होगा दूसरा कनेक्ट नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व की, प्रॉब्लम बोल सकते हो, या फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इस फर्स्ट टाइम पर यूज़ करने नहीं आता तो मैंने रेफर किया यूज़र मैनुअल, और यूज़र मैनुअल में काफी क्लियरली मेंशन है कि वहां पे अगर आपको दोनों ईयरबड्स अगर आपको एक साथ में कनेक्ट करें तो लेस देन 3 सेंटीमीटर की दूरी रखो और वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो बाकी और ऐसा कुछ भी मुझे नेगेटिव पॉइंट इस ईयरबड में नहीं लगा। और यहाँ पे मुझे सबसे इम्प्रेसिव चीज़ लगी इस ईयरबड की यहाँ पे कि भाई ये जो ईयरबड्स है जैसे आप निकालते हो इस कैप्सूल वाले डिज़ाइन में से, कैप्सूल का डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे आप निकालते हो यहाँ पे एक लाइट जलती है जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। ग्रुप में अगर पटीली करना है या फिर बोलते हैं आपको शो ऑफ करना है या फिर आपको दूसरों से अलग दिखाना है तो ये ईयरबड आपके लिए है। ये आपको एकदम बोलते ना ऐसा लगेगा भाई कि आप वो आपके ग्रुप में आप ही एक पटेल हो, ऐसा आपको फीलिंग ये ज़रूर ईयरबड देगा, क्योंकि आप जब ये निकालते हो लाइट जलती है और काफ़ी लुक एकदम कूल लुक देता है और थोड़ा स्टाइलिश फंकी और वैसा वाला फील आपको मिल जाएगा इसी ईयर पॉड में। और बात करें यहाँ पे इसकी बैटरी लाइफ के बारे में तो बैटरी लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब जल्दी से भी चार्ज हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, और मैंने लगभग कंटिन्यूसली 2 से 2.5 घंटे यूज़ किए, मतलब बैटरी डेड नहीं हुई, अराउंड फिर भी 30 या 40% बचा होता, मतलब यहाँ पे कम से कम ये फुल चार्ज पे 4 घंटे तो डेफिनेटली आराम से चलेगा। तो बैटरी बैकअप के मामले में मीवी ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। दोस्तों बात करूँ इस डिवाइस के प्राइस के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्राइस कितनी है, तो यहाँ पे
मैं कहना चाहूँगा 1999 पे फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ये डिवाइस। और यहाँ पे अगर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका प्लान है कोई भी ईयरबड लेने का, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा अगर आप एक म्यूज़िक लवर हो, अगर आप ऐसे पर्सन हो भाई कि म्यूज़िक छोड़ के ज़्यादा करके आपको कॉल्स लेने, तो आप कॉल्स के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन भाई अगर आप ईयरबड ले रहे हो और आपका प्लान है म्यूज़िक ही सुनने का, तब ये आँख बंद करके ले लो, आपको ज़रा भी निराशी नहीं होगी, ज़रा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा खुद का रहा, इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस ईयरबड को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और बाकी आप मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या मानना है इसी ईयरबड के बारे में, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को, हमारे हैप्पी गाइड चैनल को। और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।